Hello children of grade 3. How are you? Today we are going to explain our geometry chapter 11, bar graph. First of all, we know about graph. Graph are used to compare the numbers of items between two or more things. Graph में हम चीज़ों के को डिफरेंस मालूम करते हैं कि इसमें कितना कंपेयर है, कोई चीज़ कितनी इंक्रीज हुई है और कब वो चीज़ डिक्रीज हुई है या कब कम हुई है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ, पिक्चर ग्राफ, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ. स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पिक्चर ग्राफ इन प्रीवियस क्लास. इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट बार ग्राफ. वॉट इज बार ग्राफ? अ ग्राफ ड्रॉन यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स टू शो हाउ लार्ज ईच वैल्यू इज. बार ग्राफ में हम रेक्टेंगुलर कलर से शो करते हैं कोई चीज़ जो है उसकी, कब उसकी वैल्यू जो है बड़ी और कब कम हुई है. द बार मे बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. मान लो ये बुक या ग्राफ जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होता है और वर्टिकल फॉर्म में भी होती है. अ बार ग्राफ विल हैव टू एक्सिस. वन एक्सिस विल डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कैटेगरीज बीइंग कंपेयर्ड एंड द अदर विल हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डाटा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ. ऑन अ ग्राफ ड्रॉ टू लाइन्स, वन लाइन एंड टू लाइन. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ कलर्ड ब्लॉक्स वी कैन फाइंड आउट हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच काइंड दीज आर. दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड अ बार ग्राफ. वी ड्रॉ ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर लुक लाइक दिस. ओके, इन दिस बार ग्राफ रुपीज आर शोन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड नेम ऑफ द डेज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. नाउ लुक एट द ग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. द क्वेश्चन नंबर वन इज ऑन विच डे द सेल वॉज द हाइस्ट. कौन सी डे में सबसे ज़्यादा हाइस्ट सेल थी? सो द डे इज वेनसडे द हाइस्ट सेल एंड एट रिप्रेजेंट 8,000. और डे कौन सा था? द डे इज सैटरडे. द सैटरडे इज द हाइस्ट सेल 9,000. ऑन विच डे द सेल वॉज द लोएस्ट. अब सबसे लोएस्ट सबसे कम सेल किस डे में थी? तो नाउ सबसे लोएस्ट ऑन ट्यूजडे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन विच डे द सेल वॉज इक्वल. विच डे सेल वॉज इक्वल मीन्स बराबर थी सेल. सेम डे में सेम आपकी सेल्स हुई है तो नाउ सेम डे आर थर्सडे एंड मंडे 6,000 सेल. व्हाट वाज द सेल ऑन फ्राइडे. नाउ लुक ऑन फ्राइडे. फ्राइडे सेल्स 7,000. व्हाट वाज द सेल ऑन वेडनेसडे. द सेल ऑन वेडनेसडे 8,000. नाउ लुक दिस ग्राफ पेज नंबर 158. In this graph, marks are shown along the horizontal axis and names of the subject along the vertical axis. Now question answer, question number 2. In which subject did he secure the highest marks? अब किस subject में सबसे ज़्यादा highest marks लिए? अब आपने बताना है marks obtained by Zain, this is a title. अब Zain ने किस subject में सबसे highest marks gain किए हैं? तो now look the highest marks in math 60 marks. In which subject did he secure equal marks? अब कौन से सब्जेक्ट में उसके मार्क्स इक्वल आए हैं या सेम आए हैं? Now 40 marks in science and SST. How many marks did he secure in mathematics? अब मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स थे? मैथमेटिक्स 60 marks. How many marks did he secure in English? English secure
50 marks. Find the total marks secured in all subject. अब आपको all subject में से marks gain किए हैं, आपने लिखना है 60, 50, 40, 30, 60, 50, 40 and again 40. तो आप इन सबको प्लस करना है, तो प्लस होकर आपका आंसर आएगा 190 मार्क्स. She gained 60 marks in maths, 50 marks in English, 40 marks science and SST. तो आंसर इज 190 मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स, लुक इन योर बुक, जो साइज 17.1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 2 टू 6, पेज नंबर 157, एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 2 टू 6 इन योर कॉपीज. ड्रॉ दीज ग्राफ्स एंड पेज इन योर कॉपी, इन योर ज्योमेट्री कॉपीज, वर्क इज ज्योमेट्री वर्क, एंड डू एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 योर वर्कशीट पैड, एंड पेज नंबर 133 to 135 in your worksheet pad. Okay, students, Allah Hafiz.